जब आईपीएल लीग होती है तो उसके अंदर पाकिस्तानी खिलाड़ी क्यों नहीं खेलते, और लाइक आईपीएल के अंदर पाकिस्तानी खिलाड़ी क्यों नहीं खेलते, क्या कहेंगे हम इसमें उन्होंने पाकिस्तानी और जी? पाकिस्तान टीम को तो बुलाया नहीं, प्लेयर को भी नहीं बुलाया। अगर बुलाया होता तो डेफिनेटली हमारे लड़के वैसे भी जाते हैं। और मोदी साहब आए, इन्होंने मतलब एक, मैं कहता हूँ कि अफसोस है कि जिस तरीके से है ना, कंट्री का लीडर ऐसे नहीं। आईपीएल के हवाले से दुनिया की सबसे बड़ी लीग यकीनन आईपीएल है, पाकिस्तानी खिलाड़ी इस लीग में ना खेलने की वजह से उनका नुकसान हो रहा है, आप क्या कहेंगे, वाकई नुकसान हो रहा है? डेफिनेटली आईपीएल में जितना पैसा है, जितना एक्सपोजर है, वो डेफिनेटली किसी और लीग में नहीं है। और जैसे पूरी दुनिया के प्लेयर्स के लिए अपॉर्चुनिटी है कि वो आईपीएल खेले, और एक तो उसका स्टैंडर्ड बहुत हाई है, दूसरा उसमें पैसा बहुत ज़्यादा है, एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, तो डेफिनेटली मिस तो करते ही हैं पाकिस्तानी प्लेयर्स। तो अभी तो रिसेंट पास में जो हमने देखा उसकी तो अभी कोई उम्मीद नहीं हमें नजर आती। हमारी बड़ी ख्वाहिश है कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स आईपीएल खेलें। आप पीसीबी और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को किन इकदाम करने का मशवरा देंगे कि ये मुमकिन हो सके? जब तक नरेंद्र मोदी इस बात पर रजामंद नहीं होगा कि पाकिस्तान के साथ बराह रास्त क्रिकेट खेलनी है और पाकिस्तान की टीम जो है वो इंडिया की टीम पाकिस्तान में आके खेले, उस वक्त तक आईपीएल भी शायद पाकिस्तानी प्लेयर्स को इजाजत नहीं देगा। अभी आपके प्लेयर्स को यहाँ पर पाकिस्तान में आईपीएल में कोई भी प्लेयर हमारा नहीं खेलता है। मैं आपको लिख कर देती हूँ कि अगर आईपीएल अलाउ करे, हर प्लेयर कहेगा कि हम वहां पर जाएं। जाना चाहिए, हक है उनका। अगर उनको, अगर उनको इंडियन प्रीमियर लीग की कोई फ्रेंचाइज बुला रही है तो उनको जंग के लिए तो नहीं बुला रही, जो उनका प्रोफेशन है उसके लिए बुला रही है। ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तान आईपीएल के मामले में, फ्रेंचाइजेस के मामले में, आईपीएल फ्रेंचाइज के लिए पाकिस्तान एग्जिस्ट ही नहीं करता ना। अब अनफॉर्चुनेटली हमारे, मतलब मैं तो उसको फाइनेंशियली तौर पर सिर्फ देखता हूँ, कितना लॉस हमारे प्लेयर्स का, क्योंकि जो पैसे आपको मिलते हैं आईपीएल में, वो पैसे तो आप किसी फ्रेंचाइज मतलब लीग में नहीं मिलते हैं, साफ सीधी बात है। आईपीएल का कितना रोल है इसमें? देखिए आईपीएल का काशिफ, ये एलिफेंट इन द रूम वाली बात है, कोई इसको एड्रेस करता नहीं। आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग, बिल्कुल। तो इसलिए कि सारे जो हैं वो जुड़े हुए हैं, हाई प्रोफाइल टूर्नामेंट है, पैसे हैं, फिर उसके बाद जो एड ऑन्स बहुत मिलते हैं, तो ये, और फिर पावरफुल वो एक उनकी बनी हुई है साख आईसीसी के ऊपर फ्रॉम फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू। जब से आईपीएल में जाना उन्होंने रखना छोड़ दिया है, नहीं जा सकते, तो पाकिस्तान में जो क्रिकेटर्स में बहुत ज्यादा एक महरूमी है, एक इनसिक्योरिटी है, क्योंकि वो वहां पे जितने पैसे प्लेयर्स को मिलते हैं 1.5 मिलियन, 1. जहां जितनी हमारी टीम की फी है उतना एक इंडिविजुअल प्लेयर को पैसा मिले। अगर हम क्रिकेट और पैसे की बात करें और आईपीएल का नाम ना लें तो ये तो बड़ी नाइंसाफी वाली बात होगी कि आईपीएल एक ऐसी लीग है जहाँ पे इतना ज्यादा पैसा लगाया जाता है प्लेयर्स पे और इतनी ही ज्यादा उनको रिटर्न में भी मिलता है। और वैसे भी हम उनके रुपयों में बात करें, इंडियन रुपीस में बात करें, पाकिस्तानी रुपए से भी 3 गुना ज्यादा। ये तुम देखो कि 7 प्लेयर हैं, 7 खिलाड़ी आईपीएल के जो अरबपति हो गए जी, आईपीएल खेलते खेलते, आईपीएल की फ्रेंचाइजीज की तरफ से खेलते हुए, उनकी तरफ से तनख्वाह लेते लेते ये 7 खिलाड़ी अरबपति हो गए। अरबपति अजीबो गरीब किस्म का जो है वो इनकी सोच है बीसीसीआई की, कि जी पाकिस्तान का पासपोर्ट किसी के पास होगा या पाकिस्तान में जो रहता होगा वो जी आईपीएल नहीं खेल सकता, बाकी दूसरे नेशनलिटी वाले वो सब जो खेल सकते हैं। और क्रिकेट की टीम भी उनकी बड़ी हुई है तो इसलिए दबाव में है, बाकी इंटरनेशनल प्लेयर्स जो है वो कहते नहीं है, मगर अगर आप मुझसे पूछें कि आईपीएल खेलेंगे या पाकिस्तान आएंगे तो हमें पता है कि क्या उनका जवाब होगा। क्यों आप लोग को एक शौक है हर लीग से कंपेयर करना शुरू कर देते हैं आप लोग? आईपीएल तो बहुत, आईपीएल इज डिफरेंट, लीव आईपीएल आउट ऑफ द डिस्कशन। आईपीएल एक लीग, वो लीग है जिसको कि हर प्लेयर खेलना चाहता बिल्कुल, है बिल्कुल। और जो पैसा वहां मिलता है वो शायद कहीं नहीं मिलता, और जो लड़का जा सकता है। तो मुझे तो अफसोस होता है कि मेरे पाकिस्तानी खिलाड़ी नहीं खेल पा रहे। मैंने तो 2009 की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी कि रो रहे थे कि हमें ले लो आईपीएल में, ठीक है। तो मैं क्या क्या बताऊं यार, मतलब अब इसमें गलती पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की भी है। आईपीएल का एक्शन जारी है, प्लेयर्स बहुत बड़ी बड़ी कीमतों में बिक रही है, मगर इसमें पाकिस्तानी प्लेयर्स शामिल नहीं है। मगर पाकिस्तान के प्लेयर्स शामिल ना होने पर पाकिस्तानी मीडिया बहुत ज्यादा जेलस हो रही है कि क्यों पाकिस्तानी प्लेयर्स आईपीएल में शामिल नहीं किया जा रही। पाकिस्तानी मीडिया जिसमें जावेद मियादाद बहुत ज्यादा बातें कर रही है कि अगर पाकिस्तानी प्लेयर्स आईपीएल में शामिल होते तो वो करोड़ों के मालिक होते। इस तरह छोटे छोटे 13 साल के प्लेयर्स करोड़ों में बिक रही है आईपीएल ऑक्शन में, तो इस पर पाकिस्तानी मीडिया बहुत ज्यादा बातें कर रही है। लोगों ने मुकम्मल वीडियो देखी होगी जिसमें जावेद मियादाद और खासकर तनवीर अहमद ने बहुत खास बातें की। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में।